जय श्री राम, जय श्री हनुमान बाबा की। और आपका आज फिर से संपूर्ण ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज देखिए, हम लोग आज हम आपको बताएंगे कि सुरसा कौन थी। देखिए, हमने बहुत बार फेसबुक पढ़ा है या बहुत बार हमने विकिपीडिया पढ़ा है, उसमें आपका नेट पढ़ा हुआ है कि बहुत लोगों ने लिखा है सुरसा एक राक्षसी थी, मतलब उन्होंने अलग तरीके से लिखा हुआ है। पर अगर आप सुंदरकांड पढ़ें तो सुंदरकांड की शुरुआत में ही तुलसीदास जी ने लिखा है, जब हनुमान जी जा रहे थे, जब समुद्र के ऊपर जा रहे थे हनुमान जी, तो तभी देवताओं ने उनको देखा और देवताओं ने सुरसा नाम अहिन के माता लिखा हुआ है। तो जो सुरसा थी वो अहिन की माता, मतलब वो नागों की या सर्पों की माता थी जो कि समुद्र के अंदर रहती थी। और उनको देवताओं ने भेजा था कि जाइए हनुमान जी का बल बुद्धि का परीक्षण कीजिए कि वे वाकई रामदूत बनने लायक हैं कि नहीं, और वो सीता मैया खोज सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो सुरसा जी के बारे में लिखा गया है, तो उनको हम सुरसा माई कहेंगे क्योंकि भगवान श्री हनुमान जी ने उनको माई कह के पुकारा है। तो देखिए, पहला बात तो ये है कि सुरसा माई जो थी वो नागों की माता कही गई है, नागों या सर्पों की माता कही गई है, जो राक्षसी रूप धर के आई थी, पर वो राक्षसी नहीं थी। उन्होंने इसलिए रूप धरा जैसे कि हनुमान जी को डरा सकें और हनुमान जी को परेशान कर सकें। तब तो उसी के बारे में देखिए, हम लोग वहाँ उसमें पढ़ा था हम लोगों ने सुंदर कांड में कि जब आई, जब सुरसा आई तो रास्ता रोक लिया सुरसा माँ ने हनुमान जी का। तो हनुमान जी ने कहा, हे माई मुझे आप जाने दीजिए क्योंकि मैं बहुत ज़रूरी काम जा रहा हूँ भगवान श्री राम के, और जब मैं लौट के आऊँगा तो मैं आपके मुँह में खुद ही घुस जाऊँगा। तब भी सुरसा माई उनके आगे से हटी नहीं। और फिर सुरसा माई ने अपना एक योजन का मुँह खोला तो हनुमान जी दो योजन हो गए। तब उन्होंने 16 योजन खोला तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। पर जब सुरसा माँ ने जब अपना 100 योजन का जब मुँह खोल दिया, देखिए एक योजन होता है 8 मील का, तो आप गुणा करके खुद निकाल लीजिए। तो उन्होंने जब ये सत योजन, मतलब जब 100 योजन का मुँह खोला या 800 मील का मुँह खोला है, तब हनुमान जी तुरंत मुँह में घुस के बाहर आ गए। तो इस बात से बहुत सुरसा माँ खुश हो गई और उन्होंने कहा, तब वो असली रूप में आ गई अपने। तब उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम तो बल बुद्धि के निधान हो, तो बल बुद्धि के भंडार हो, और तुम जिस काम से जा रहे हो और तुम उसे पूरा करके जरूर लौटोगे। तो देखिए, यहाँ पर तुलसीदास जी के, मतलब यहाँ पर सुरसा माँ के बारे में ये लिखा है। हम फिर से बता दें, सुरसा माँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रभु श्री हनुमान जी ने उनको माई कह के पुकारा था। हो सकता है उन्हें ज्ञात हो, उन्हें मालूम हो हनुमान जी को कि ये कौन है। अब देखिए ये भी कहीं कहीं लिखा गया है, मतलब ये आपका अगर ऋग्वेद पे आप जाएंगे तो वहाँ पर ये लिखा गया है कि जो सुरसा थी वो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। अब देखिए, प्रजापति दक्ष कौन थे? देखिए, प्रजापति दक्ष थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। और उनकी ये भी कहा गया है कि उनकी 84 उनकी पुत्रियां थीं, जिसमें से कहीं पर कहा गया है 13 पुत्री और कहीं पर कहा गया है 17 पुत्री। तो उन्होंने अपनी पुत्री तो उन्हें 17 या 13 पुत्री को ब्याह दिया या शादी कर दी मुनि कश्यप से। तो उसी 13 में से और उसी 17 में से एक पुत्री उनकी सुरसा भी थी। अब आगे ये भी बताया गया है कि जब उनकी शादी हुई कश्यप ऋषि से, तो उनसे एक राक्षस लड़का पैदा हुआ और नाग और सर पैदा हुए, ऐसा कुछ लिखा गया है। तो इसका मतलब ये तो अर्थ स्पष्ट हो गया कि देखिए, सुरसा एक राक्षसी नहीं थी और सुरसा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी जिनका विवाह मुनि कश्यप से हुआ था। तो उम्मीद है आपको आज समझ में आ गया होगा ये सुरसा माँ के बारे में कि वो हनुमान जी की बुद्धि परीक्षा लेने गई थी, और जब बुद्धि परीक्षा ले ली है तब उन्होंने कहा कि तुम जाओ, अब तुम सब सारे काम कर डालोगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय।